नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और मिड सेशन में आपकी इंडस्ट्रीज पे अप्रोच क्या हो सब पे करेंगे बातचीत। आज इस कार्यक्रम में निफ्टी रहेगा, निफ्टी बैंक रहेगा, मैं रहूंगा और एक्सेस सिक्योरिटीज का राजेश पालवे रहेंगे। खुल के करेंगे बातचीत इंडस्ट्रीज पे और साथ ही साथ ऑप्शन स्टैट्स पे और स्टॉक फ्यूचर्स पे। पहले स्क्रीन पे लेके आइए निफ्टी, आपकी स्क्रीन पे इट्स 22213, बैंक निफ्टी करीब 47,136। देखिए कल मोमेंटम बहुत स्ट्रांग था, हम डे हाई पे जाके क्लोज हुए थे, लेकिन आज थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट्स जिटरी थे, बट इसमें कोई राय नहीं कि हमने सारे ग्लोबल मार्केट्स को। राजेश जी गुड आफ्टरनून, आपका इंडस्ट्रीज पे व्यू क्या है? राजेश जी कोई बड़े मूव की एक्सपेक्टेशन रखे यहाँ पे, कोई थ्रेश होल्ड पॉइंट आपके मुताबिक, और आप निफ्टी निफ्टी बैंक पे क्या अप्रोच रख रहे हैं इस वक्त? गुड आफ्टरनून वीरेन जी। तो देखिए निफ्टी तो ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी पर ट्रेड कर रहा है, बैंक निफ्टी में थोड़ा सा स्ट्रगल है, आपने काफी अच्छे से डेटा ऑलरेडी यहाँ पे समझाया है, तो बिल्कुल व्यू इन सिंक ही है। 22,100 ये लेवल जब तक निफ्टी स्पॉट पे होल्ड है, ट्रेड सेटअप बाइंग साइड का ही रखना है, छोटे मोटे जो वॉलेटिलिटी मिल रही टिप्स में इसको ऐड करना है। स्टॉप लॉस रखेंगे हम 22,100 का, जब तक ये लेवल नहीं टूटते स्पॉट पे लॉन्ग साइड का ट्रेड ओपन रखेंगे, और 22,300 इमीडिएट लक्ष्य हमें लगता है निफ्टी पे आते हुए दिख सकता, हो सकता है उसके भी ऊपर के लेवल निफ्टी स्पॉट पे आते हुए दिख सकते। तो निफ्टी पे व्यू पॉजिटिव है, बाय ऑन डिप्स की रणनीति। बैंक निफ्टी की बात करें, यहाँ इंटरेस्टिंग है, आज वीकली ऑप्शन एक्सपायरी भी है, लेकिन 47,200 जैसा कि आपने भी डिफाइन किया, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है स्पॉट पे, ये क्रॉस होगा तो एक बड़ा मूव बनेगा और हो सकता है हम बैंक निफ्टी को भी ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री की तरफ फिर मूव होते हुए दिखेंगे। कॉन्फिडेंस जरूर है, हमें लगता है कि यस ये ब्रेकआउट होते हुए दिख सकता है, क्योंकि अगर हम देखें तो जो लगाड स्टॉक थे HDFC वो अब पार्टिसिपेट करने लगा है, और PSU का लीडर SBI भी यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूट करते हुए दिख रहा है, तो हमें लगता है कि लार्ज के बैंकिंग बास्केट में स्ट्रेंथ तो लौटी है, और यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी की हो सकता है आज ना क्रॉस कर पाए, लेकिन अगले ट्रेडिंग सेशन में हमें लगता है कि बैंक निफ्टी भी एक ब्रेकआउट देने के लिए तैयार है। 47,200 जैसे निकलेगा एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग प्ले आउट होगी, और अपसाइड में फिर 47,600-800 इमीडिएट टारगेट बैंक निफ्टी में आते हुए दिख सकते हैं। आज के लेवल आज के बात करें तो 46,900 जहाँ पे एक मेजर फुट बेस्ड कॉन्सेंट्रेशन देखने को मिला था, जब एक डिप मिली वहीं पे एक सपोर्ट लेके बैंक निफ्टी अब वापस पुल बैक का ट्रेड कंटिन्यू कर रहा है, तो अभी ट्रेड यहाँ पे लॉन्ग साइड का ही ओपन रखेंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे हम स्पॉट लेवल की अगर बात करें तो 46,900 ये लेवल आज के लिए स्टॉप लॉस है लॉन्ग साइड के ट्रेड के लिए। अपसाइड में 47,200 और वो ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर 47,500 की तेजी भी आज के सेशन में ही देखने को मिल सकती ड्यू टू शॉर्ट कवरिंग। जैम एक चीज याद रखिएगा, जिस वक्त अगर कॉल राइटर्स के अगेंस्ट कोई चीज जा रही है, दैट्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 774 ये अपना 16 फरवरी की कैंडल का हाई क्रॉस करने की तैयारी कर रहा है ना। ये जो कॉम्बिनेशन है ना, याद रखिएगा ICICI बैंक और SBI का, ये कभी भी कॉल राइटर्स के और बेयर्स के फेवर में नहीं होता। आई थिंक HDFC अकेला जितना डैमेज कर सकता है उससे ज्यादा कहीं एडवांटेज ये SBI और केनरा बैंक, सॉरी ये SBI और ICICI बैंक जनरेट कर सकते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन जो है ना वो थोड़ा सा बड़ा कॉम्बिनेशन है। HDFC MCA हटा दीजिए, खैर अब इंडेक्स पे बहुत हो गई है। राजेश जी अब आते हैं आपके कन्विक्शन आइडियाज पे, किन किन कॉल्स पे आप कैपिटलाइज कर रहे हैं, कहाँ पे स्ट्रॉन्ग स्विंग की एक्सपेक्टेशन है सेकेंड हाफ में, आपके तीन कन्विक्शन आइडियाज? तो वीरेन जी पहला स्टॉक तो SBI ही रहेगा, और हमें लगता है यहाँ पे ही एक इम्पोर्टेंट लेवल के आसपास अब SBI ट्रेड कर रहा है, और जिस तरीके से इसके स्ट्रक्चर बने ये स्टॉक एक बड़ा मूव देने के लिए रेडी है, और जो कि बैंक निफ्टी को भी यहाँ से एक रेजिस्टेंस जोन से निकालने में एक सपोर्ट देता हुआ दिखेगा। तो SBI बाय करना, SBI फ्यूचर पे अपसाइड के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम 810 तक के, स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 760 के आसपास। दूसरा स्टॉक वीरेन जी जो कि काफी समय से कंसोलिडेशन में था, टाटा कंज्यूमर, आज अगर आप देखेंगे तो पिछले 15 मिनट में एक अच्छा मूव यहाँ पे प्ले आउट होते हुए दिख रहा है, और जिस तरीके से इसके ओवरऑल स्ट्रक्चर बने डेली सेटअप पे हमें लगता है ये स्टॉक एक बड़े मूव की तैयारी करते हुए दिख रहा है। ये स्टॉक में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं टारगेट जो बन सकते हैं फ्यूचर्स में वो करीब होना चाहिए 1210-1220 की तरफ, स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 1155 के आसपास। तो तीसरा स्टॉक जो हमें पसंद आ रहा है और जो कि कल भी आपके साथ शेयर किया था हमने और आज भी हमें लगता है कि DLF
ये स्टॉक पे बाय का ट्रेड रखना चाहिए, लॉन्ग साइड का ट्रेड ओपन रखना चाहिए, जिस तरीके की ओवरऑल स्ट्रेंथ डीएलएफ में बनी हुई है, ये स्टॉक भी 920 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है, तो डीएलएफ पे बाय है, स्टॉप लॉस होगा करीब 868 के आसपास। ओके, तो ये हो गए तीन ट्रेड्स आपके। अच्छा, आईसीआईसीआई बैंक चला चल किया जब ऑल टाइम हाई क्रिएट किया, लेकिन हल्का सा बैकफुट पे आता हुआ अब, बट एसबीआई और कैनरा बैंक, अब आप जरा एक बार स्क्रीन पे प्लीज निफ्टी पीएस बैंक इंडेक्स लेके आइएगा। एसबीआई एक डिफरेंट स्टोरी कहीं ना कहीं आज क्रिएट करने की तैयारी में है, मूड में है, ऑल टाइम हाई। राजेश जी, अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे को आज निफ्टी बैंक को ट्रेड नहीं करना है, मेरे को आज एक स्टॉक फ्यूचर ट्रेड करना है, एसबीआई, कैनरा बैंक, बीओबी, इनमें से क्या प्रेफर करेंगे आप? तो ऑलरेडी वीरेन जी मेंशन किया है, मुझे लगता है बिल्कुल यहाँ पे तो ट्रेड लॉन्ग साइड का रखना चाहिए, काफी स्ट्रांग यहाँ पे आज बाइंग इंटरेस्ट दिख रहा है और यही स्टॉक हमें लग रहा है कि एक अच्छा सपोर्ट देता हुआ दिखेगा। इसके बाद अगर मुझे दूसरा स्टॉक बाय करना है पीएसयू बास्केट में, तो फिर मेरा व्यू जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ। बैंक ऑफ बड़ौदा में भी हमें लगता है ये भी सिमिलर स्ट्रक्चर है ऑलमोस्ट एसबीआई जैसा, और जिस तरीके के यहाँ पे डेटा सेटअप बने हुए, बैंक ऑफ बड़ौदा भी एक अच्छे मूवमेंट के लिए तैयार होते हुए दिख रहा है। यहाँ पे हम एक्सपेक्ट करें 300 रुपए तक की तेजी कंटिन्यू होते हुए दिख सकती। बैंक ऑफ बड़ौदा होगा सेकंड प्रेफरेंस पीएसयू में, और उसमें स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 273 के आसपास। ओके, बैंक ऑफ बड़ौदा आपका बाय है, मतलब ये आपके स्टॉक फ्यूचर्स पूरे के पूरे कंप्लीट हो गए। इंडेक्स अभी भी रेंज में, और आई थिंक एज ऑफ नाउ ऑप्शन राइटर्स को थोड़ा सा स्कोप देता हुआ ट्रेड के लिए, पर आईसीआईसीआई बैंक में मेरे को लग रहा है कि एक बार जो सीम है वो फिर जनरेट हो रही है, अभी थोड़ा सा कंसोलिडेशन के मूड में है, बट स्टिल आई मीन अभी एक अपटिक सा है कुछ इसमें, और करीब 1056 के जोन पे आके ट्रेड करता हुआ। एक दो स्टॉक्स में यहाँ पे और मार्क कर देता हूँ और उसके बाद ब्रेक के लिए चलेंगे, जहां पर एक बड़े स्विंग की एक्सपेक्टेशन हो सकती है। राजेश पालवे जी, एक बार बताइए, कॉनकॉर आई मीन 1012 पे ट्रेड कर रहा है, कल हमने इसी वक्त पिक किया था मेरे ख्याल से मैरिको, 1012 पे ट्रेड कर रहा है, आज की कैंडल भी स्ट्रॉन्ग है, कोई कॉल पकड़े क्या इसकी, और इस पर आपका व्यू क्या है? तो बिल्कुल वीरेन जी, एक स्ट्रॉन्ग चार्ट स्ट्रक्चर है कॉनकॉर का, और अगर देखें तो थ्रू आउट द सीरीज एक अच्छा ही मोमेंटम यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिखा है, सीरीज ऑन सीरीज लॉन्ग बिल्टअप यहाँ पे बनते हुए दिख रहे, तो ये स्टॉक का मोमेंटम तो हमें लगता है फर्दर तेजी की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा। यहाँ पे यस, कॉल ऑप्शन के थ्रू भी ट्रेड किया जा सकता है, 1020 की कॉल जो कि ऑलमोस्ट ट्रेड करी 19 रुपए के आसपास, इसमें लॉन्ग साइड का ट्रेड लिया जा सकता है। इसमें स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 16 रुपए के आसपास, और अपसाइड में इस ऑप्शन के टारगेट हमें लगता है 24 रुपए से 26 रुपए की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। तो कॉनकॉर का मोमेंटम पॉजिटिव है, यहाँ पे पोजीशन लॉन्ग साइड के रखेंगे, अगर किसी ने फ्यूचर लिया हुआ है या ले रहे उनके लिए स्टॉप लॉस होगा करीब 995 रुपए के आसपास। ओके, कॉनकॉर पे नजर रखिएगा, बहरहाल इंडेक्स उसी रेंज में है, और सिर्फ इस वक्त 2-3 स्टॉक फ्यूचर्स जो क्रिटिकल मूव दे रहे हैं उसमें एक एसबीआई है और निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स। खैर, कॉल्स यहां पे पूरी हो चुकी हैं, अब एक काम करते हैं, ब्रेक ले चलते हैं, और ब्रेक से जब लौटेंगे तो बात करेंगे आज का सस्ता ऑप्शन ट्रेड के बारे में। पुश लेके अब करीब करीब 22,220 की तरफ, और बैंक निफ्टी करीब 47,160 की तरफ। अब आप एक काम करते हैं, कुछ स्कैनिंग थोड़ी सी करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा आज का सस्ता ऑप्शन ट्रेड निपटा लेते हैं। राजेश जी, क्या पिक कर रहे हैं आप ऑप्शन में आज? तो वीरेन जी, मेटल स्पेस पे फोकस है, जेएसडब्ल्यू स्टील यहाँ पे पसंद आ रहा है स्टॉक में। आज जिस तरीके से प्रीवियस स्विंग हाई का ब्रेकआउट हुआ, एक शॉर्ट कवरिंग का मूव यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है, तो हमें लगता है जेएसडब्ल्यू स्टील में यहाँ पे 850 की कॉल ऑप्शन को बाय करना चाहिए। जिस तरीके के यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, हमें लगता है जेएसडब्ल्यू स्टील का ये मूव ये स्टॉक को फर्दर यहाँ से 875-880 की तरफ लेके जाएगा, तो 850 की कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह। इस कॉल ऑप्शन के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो आ सकते हैं करीब 24 रुपए से 26 रुपए तक की अपसाइड इस ऑप्शन में आते में दिख सकती है। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 12 रुपए के आसपास। ओके, जेएसडब्ल्यू स्टील 850 की कॉल ऑप्शन, डे हाई पे ट्रेड करता हूं। याद रखिएगा, जेएसडब्ल्यू स्टील ने आज एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूव दिया है, और ये अब मेरे ख्याल से फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी के बाद के सबसे हाईएस्ट क्लस्टर पे आके ट्रेड कर रहा है इस वक्त, जो बहुत ही, अगर आप देखें, हॉट फेवरेट स्टॉक है ना बाजार के, जेएसडब्ल्यू स्टील, गुजरात गैस, डीएलएफ, एसबीआई, अगले कुछ मिनटों के लिए इन स्टॉक्स पर नजर रखिए, स्ट्रांग मोमेंटम जनरेट कर रहे हैं डेरिवेटिव्स में। मार्केट्स मोर और लेस रीजनेबल हैं, कोई खास अगर आप देखें दिक्कत नहीं है। आपसे अगली मुलाकात होगी आज कमाई करते में 2 बजे अनुज और हर्षदा के साथ। राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, सभी स्टॉक्स और इंडस्ट्रीज के लिए।